प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हरियाणा के गृह मंत्री अपने पुराने अंदाज में आए नजर। आज उनका जोश देखने लायक था। उन्होंने पूरे जोश में पहले राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, उसके बाद संजय राउत के बयान पर भी चिरपरिचित अंदाज में प्रतिक्रिया दी। वहीं उन्होंने रणदीप सुरजे के कुरुक्षेत्र युद्ध वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सुरजेवाला अब रामलीला भी करने लगा है। पूरे देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी बड़े जोश से मना रही है। इसी कड़ी में आज अंबाला में भी गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी आंखें होते हुए भी अंधेपन का रोल करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के अंदर कठिनाई तो आई, पर सरकार उन कठिनाइयों से निकलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी जो सोच भी नहीं सकते थे जो प्रधानमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 लाख करोड़ दिया, क्या राहुल गांधी को ये नजर नहीं आया? राहुल गांधी आंखें होते हुए अंधेपन का रोल, कोरोना काल से गुजरने कठिनाइयां हैं लेकिन सरकार पूरी तरह से उन कठिनाइयों से निकलने की कोशिश कर रही है। सारे विश्व में असर पड़ा है, खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, और हिंदुस्तान में तो ये राहुल गांधी जी तो इतना बड़ा सोच भी नहीं पाते थे। ये कहते थे जीडीपी का खाली 6% दे दो, मोदी ने जीडीपी का 10% दिया। 10 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया, राहुल गांधी को इसकी समझ नहीं। अब ये मुझे अच्छा लगा उनका ये बयान सुनकर कि उन्होंने रामलीला करनी शुरू कर दी, क्योंकि और साहब उनके पास कुछ काम रहा नहीं है, तो रामलीला और महाभारत दिखाया करेंगे। और बहुत बड़ी सेल लगी हुई है कोरोना के कारण, हमें जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, जो सरकार ने नीतियाँ बनाई हैं ये बाउंस बैक है, बिल्कुल हमारी जीडीपी वहीं जाएगी जहाँ हमने सोचे थे। ये एक बीच में किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना आ जाएगा। अगर राहुल गांधी या संजय राउत को पता था कि कोरोना आ जाएगा तो उनको पता हो चुका, बाकी किसी को नहीं।